इस वीडियो में आपको ओल्ड डोर पेंट करना, जाली का पेंट करना, पुरानी जाली का और पुरानी ग्रिल के ऊपर पेंट करना बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दरवाजे शुरू करते हैं। ये दरवाजा है, देख सकते हैं, इसके ऊपर इनेमल पेंट हुआ है पहले व्हाइट कलर का, जो कि भी ख़राब हो चुका है। ये विंडो जैसे देख सकते हैं और इसके ऊपर दरवाजे के ऊपर दोनों के ऊपर पेंट हुआ था। अब इसका हमें कलर चेंज करना है, या फिर आपको कलर चेंज नहीं करना है तो कैसे किया जाता है इस वीडियो में पता लगेगा। जैसे जाली का दरवाजा है, इसके ऊपर भी पेंट हुआ था, इसके ऊपर भी मैं आपको कलर बदल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें चाक मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। ये चाक मिट्टी है, इसमें इनेमल पेंट मिक्स है। इसको बनाने का तरीका है, 1 किलो चाक मिट्टी में लगभग 200 ग्राम इनेमल पेंट। इनेमल पेंट आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। जैसे आपको ब्राउन करना है तो ब्राउन ही मिक्स करेंगे, व्हाइट मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें रिपेयर करनी है इसकी, दरवाजे की, जहाँ पर भी क्रैक हो गई हो या होल वगैरह हो गए हों तो वहाँ पर इसकी रिपेयर कर देनी है हमें। इस तरीके से रिपेयर कर देनी है, इस तरीके से, जहाँ पर भी लकड़ी क्रैक हो या टूटी हो या फिर होल हो गए हो या लकड़ी क्रैक हो गई हो वहाँ पर इसकी रिपेयर कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर 2 बार भर लेंगे फिलिंग या, जिससे कि बराबर हो जाए। फिर इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है, 1-2 घंटे। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाना है। रेगमाल आप 150 नंबर या फिर 220 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से दबा के रगड़ाई करनी है इसकी। जितनी बढ़िया आप इसकी रगड़ाई कर लेंगे उतनी ही बढ़िया फिनिशिंग आएगी इसकी। और यह पूरे दरवाजे के ऊपर लगानी है हमें, जहाँ पर रिपेयर की है वहाँ पर भी लगानी है, जहाँ पर रिपेयर नहीं हुई है वहाँ पर भी लगानी है। पूरा दरवाज़ा और चौखट रगड़ देना है इसी तरीके से। इसके ऊपर मैं आपको साटन इनेमल पेंट करके दिखाऊंगा, मैट फिनिश जो होता है, शाइनिंग वाला करके नहीं दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, यह एशियन पेंट्स का एपकोलाइट है, साटन इनेमल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है साटन। जिस डब्बे पे साटन लिखा हुआ होगा वो समझ जाइए कि वह मैट फिनिश है, वह ग्लॉस फिनिश में नहीं आएगा। और आप चाहें तो इसमें ग्लॉस भी कर सकते हैं, ग्लॉस के लिए आपको दूसरा इनेमल लेना पड़ेगा, साटन नहीं लेना पड़ेगा, कलर कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है, वैसे दरवाजे को नया बनाना है, तो जिस कलर का आपका पेंट हुआ है उसी कलर का पेंट लेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। रिपेयर करना, रेगमल लगाना, सारा कुछ सेम ही रहेगा, बाकी पेंट आपको इसी कलर का लेना पड़ेगा। ये ब्राउन इनेमल पेंट है हमारे पास, साटन ब्राउन। इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स करना होता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम या फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। तेल डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये पूरा घुल जाए। उसके बाद में ब्रश लेना है, ब्रश आप 2 इंची या फिर 3 इंची का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने 3 इंची का ब्रश लिया है। और दोस्तों, मैंने एक ई बुक बनाई है, पेंट और पॉलिश करना सीखें। देख सकते हैं लगभग 20 पेज की ई बुक है। इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है, पॉलिश पेंट करना सीखें। उस लिंक पर क्लिक करना है, सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो रेगमल लगाने के बाद में इसको सब कपड़े से साफ कर लेना है अच्छी तरह से, कपड़े या फिर ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको साफ करने के लिए। साफ करने के बाद में कुंडी कब्जे पर आप टेप लगाना चाहते हैं तो टेप लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें इसके ऊपर पेंट अप्लाई करना है। ये साटन इनेमल है, मैट फिनिश इनेमल पेंट, बाकी आप चाहें तो ग्लॉस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। और इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें। इसको आप अगर अच्छी तरह से लगाते हैं तो यह 1 कोट में ही सेट हो जाएगा, बाकी अगर आपको डबल कोट लगाने की जरूरत पड़ती है तो डबल भी मार सकते हैं जब यह सूख जाएगा। यह लगभग 10-12 घंटे के बाद में सूखेगा। सूखने के बाद में इसके ऊपर हल्का सा रेगमल लगा के
वही जो रेगमाल हमने पहले प्रयोग किया था 220 नंबर या फिर 150 नंबर का, उसके ऊपर डबल कोट इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग और भी बढ़िया हो जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। तो इसी तरीके से इसके ऊपर कोट मार देना है। तो अभी ये हो चुका है हमारा पूरा फिनिश। मैंने इसके ऊपर सिंगल कोट ही मारा है, क्योंकि फिनिशिंग इसकी बढ़िया आ गई है सिंगल कोट में ही। अभी ये साइन कर रहा है, जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल मैट फिनिश में हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा सूखने के बाद में बिल्कुल मैट फिनिश में। इसकी लुक बिल्कुल पॉलिश वाली है, दूर से देखने में नहीं पता लगेगा कि इसके ऊपर पेंट हुआ है या फिर पॉलिश हुई है। जब दरवाजा साइन करता है तो उसमें ऊंचा नीचा दिखता है, ऊबड़ खाबड़ दिखता है। जब मैट फिनिश हो जाता है तो इसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं दिखता है, बिल्कुल यह प्लेन ही दिखता है। अब मैं आपको दिखाता हूं जाली के ऊपर पेंट करना है अगर तो कैसे करेंगे। ये देख सकते हैं ये पुरानी जाली है, इसके ऊपर पहले पेंट हुआ था। और ये देख सकते हैं कितनी इसके ऊपर मिट्टी जमी है, तो इसको पहले साफ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लोहे के ब्रश की जरूरत पड़ेगी, ये लोहे का ब्रश है। और इस तरीके से इसको पूरा क्लीन कर लेना है। पहले इसको हमें दोनों साइड से साफ करना है, इस तरीके से दोनों साइड से इसको साफ कर लेंगे। फिर इसकी पूरी मिट्टी हटाने हैं, मिट्टी हटाने के लिए आप ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कपड़े से भी इसको साफ कर सकते हैं। और फर्श के ऊपर आपको अखबार वगैरह बिछा लेना है ताकि हमारी फर्श ना खराब हो। ये है ऑक्स ब्लू, ये देख सकते हैं ऑक्स ब्लू है, इनेमल पेंट डार्क ब्लू है ये। अगर आप दूसरा कोई कलर करना चाहते हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं, इनेमल पेंट सभी कलर में अवेलेबल है। करने का प्रोसेस यही रहेगा। इसको बनाने का तरीका है, 1 लीटर इनेमल पेंट में 200 ग्राम तारपीन तेल मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है। ये तारपीन का तेल है। और फिर इसको अप्लाई करना है। इसके लिए आप 2 इंची का ब्रश या फिर 3 इंची के ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 इंची का ब्रश लिया है मैंने, और इस तरीके से इसके ऊपर मारना है। इतना ध्यान रखना है कि इसके होल ना बंद हो जाली के, पहले ही हुई थी तो उसके कहीं कहीं होल बंद हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो पूरी जाली जाम हो जाएगी। इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसकी पेंटिंग करनी है।
ये देखिए जैसे फर्श के ऊपर अखबार बिछा हुआ है, इसी तरीके से दोनों साइड से अखबार आपको बिछा लेना है, उसके बाद में पेंट करना है। वैसे तो यह एक कोट में ही फिनिश हो जाता है, बाकी अगर आपको डबल कोट लगाने की जरूरत है, जैसे ये पहले व्हाइट पेंट हुआ था तो कहीं कहीं व्हाइट इसमें दिख रहा है, तो इसी जगह पे आप डबल कोट मार देंगे या फिर आप पूरी जाली के ऊपर भी डबल कोट मार सकते हैं इस तरीके से। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसके होल ना बंद हो जाली के। और पूरा फिनिश होने के बाद में हमारी इस तरह की फिनिशिंग दिखेगी, देख सकते हैं ब्लू कलर इस तरह से दिखता है। अब अगर आपको ग्रिल के ऊपर पेंट करना है, देख सकते हैं जैसे ये ग्रिल है, इसके ऊपर पहले ब्लैक पेंट हुआ था तो अभी पुराना हो गया है, इसको हमें पेंट करना है तो सबसे पहले इसको हमें साफ करना पड़ता है। साफ करने के लिए आप कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप ब्रश वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको पूरा क्लीन करना है, इसके ऊपर मिट्टी वगैरह ना रहे कहीं पर, या फिर आप तारपीन के तेल से भी इसको साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद में हमें पेंट लेना है, ये इनेमल पेंट है, ब्लैक कलर का इनेमल पेंट है। बाकी आप दूसरा कलर करना चाहते हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। इसको भी पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स करना होता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। ये ब्लैक पेंट है, ब्लैक इनेमल पेंट, हाई ग्लॉस पेंट है ये। फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके लिए आप 2 इंची या फिर 1 इंची के ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से इसके ऊपर मार देना है। इसी तरीके से पूरी ग्रिल को पेंट कर लेना है जिससे कि यह बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। वैसे तो इसके ऊपर डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर आपको डबल कोट लगाना है तो डबल कोट लगा सकते हैं सूखने के बाद में, 10-12 घंटे के बाद में यह सूख जाएगी, उसके बाद में आप डबल कोट मार सकते हैं इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं ये हो गई हमारी बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल नई जैसी हो गई है यह।